जितना सारे काम बाबा बगरा का इम्पोर्टेंट मैसेज है अभी रिसेंटली वो सुनाने के लिए मैं फेसबुक लाइव में आया। सभी एम्प्लॉइज के लिए बाबा बगरा का एक इम्पोर्टेंट मैसेज और हम लोगों के लिए। पहले से हमारे एम्प्लॉइज फेडरेशन को इतना मुश्किल हो रहा है, बच्चे का ट्यूशन का फीस, स्कूल का फीस, गैस का प्राइस बढ़ गया है, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, पहले से सब्जी का दाम बढ़ रहा है, तो पहले से इतना कठिनाई है। और अगर हमने इलेक्शन के नाम में अपने एम्प्लॉय से पैसा कलेक्ट किया सेंट्रली, तो ये हमारे गरीब टिपरासा एम्प्लॉयज के लिए नाइंसाफी होगा और उनको बहुत कष्ट होगा। इसी के लिए मैंने डिसाइड किया है और मेरा ऑर्डर है कि हम लोग कोई भी पैसा एम्प्लॉयज फेडरेशन से नहीं उठाएंगे इलेक्शन के नाम में। ये ठीक बात नहीं है, मैं अपना पैसा लगाऊंगा। और अगर किसी को हेल्प करना है एम्प्लॉय फेडरेशन से, तब आप लोकली हेल्प कीजिए, लेकिन सेंट्रली मैं एक पैसा नहीं उठाऊंगा। ये मेरा ऑर्डर है और इसका अमल किया जाना चाहिए। दिस इज माई क्लियर इंस्ट्रक्शन, नो मनी विल बी कलेक्टेड सेंट्रली इन द नेम ऑफ इलेक्शन फ्रॉम अ पुअर टिपरासा एम्प्लॉयज। दिस इज नॉट राइट। इफ यू वॉन्ट टू हेल्प पीपल लोकली, यू आर मोस्ट वेलकम, बट सेंट्रली आई विल नॉट टेक एनी मनी फ्रॉम माई टिपरासा एम्प्लॉयज फेडरेशन। हम भाई, दिस इज बुबाग्रा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों का हर एक पार्टी त्रिपुरा में या कहीं पे भी सब समय लोगों के ऊपर और एम्प्लॉइज के ऊपर रुपया उठा के इलेक्शन लड़ते, लेकिन पहली बार बोबाग्रा ने खुद का दम पे लड़ने का निर्णय लिया है और किसी दूसरे के ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाला है। तो इसके लिए मैं बोबाग्रा को थैंक यू और सारे तिपरासा वासियों की तरफ से बोबाग्रा को हार्ट एंड सोल उनको साथ देने का मैं भी वादा करता हूँ। और खुद का पैसा लगा के ही बोबाग्रा लड़ने के लिए जो निर्णय ले रहे, इसमें हम लोगों को भी समझना चाहिए ये लड़ाई सिर्फ बोबाग्रा का निजी लड़ाई नहीं, ये हम लोग के लिए लड़ रहे, 15 लाख तिपरासा के लिए लड़ रहे। तो हम लोग को भी खुद जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा और मैं भी एक छोटा सा जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू खुलम का हम भाई।